छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं, बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ाया आपने। इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट विदाउट इंक्रीज इन प्राइस। यस, हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट विदाउट इंक्रीज इन प्राइस। बिना प्राइस को बढ़ाए आप किस तरह से अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट रिड्यूस कर दी जाए तो जो बचता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन आज की इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में हम ऐसा क्या करें कि बिना प्राइस को इंक्रीज करे भी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएं। आप जानते हैं इस समय अर्थव्यवस्था में कॉम्पिटिशन है, और कॉम्पिटिशन के इस दौर में कोई भी व्यक्ति अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं कर पाता, क्योंकि कंपटीशन में सबसे बड़ी जो फाइट चल रही है वो प्राइस वॉर की फाइट चल रही है। और प्राइस वॉर की इस फाइट को किस तरह से जीता जाए, इस बात को हम ध्यान से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप बिना सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करें अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाना होगा। ध्यान से समझना, अगर आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस को बिना चेंज किए आपको कॉस्ट को घटाना होगा। जैसी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान से समझना कि जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट की बात करते हैं, तो उसमें दो तरह की कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता और उसमें प्रोडक्शन होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपका फैक्ट्री रेंट, जैसे आपका जनरल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपका जनरल स्टाफ सैलरी, ये वो खर्चे हैं जहां आपका प्रोडक्शन अगर जीरो भी हो जाए तब भी ये कॉस्ट लगातार समान चलती रहती है, और अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ भी जाए तब भी ये कॉस्ट फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका फैक्ट्री रेंट 50,000 है, आपका जनरल इलेक्ट्रिसिटी 20,000 है, आपका जनरल स्टाफ सैलरी 30,000 है, तो टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो है 1,00,000 रुपी पर मंथ। अगर आप 1,000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं अपनी फैक्ट्री में तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट की आती है वो 100 रुपी आती है। मतलब आपको एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में जो फिक्स खर्चा आता है वो 100 रुपये आता है। अगर आप किसी भी तरीके से ये समझ जाएं कि किस तरह से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाऊं, किस तरह से अपनी सेल को बढ़ाऊं, तो आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप उसी कॉस्ट में 2,000 प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट 50 रुपये पर प्रोडक्ट आएगी। अगर उसी कॉस्ट में आप 5,000 प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट 20 रुपये प्रोडक्ट आएगी। अगर उसी कॉस्ट में आप 10,000 प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट 10 रुपये पर प्रोडक्ट आएगी। इसका मतलब अगर आपको ऐसा फार्मूला मिल जाए जिसमें आप ये समझ पाएं कि अपने प्रोडक्शन को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं और प्रोडक्शन बढ़ने के बाद उस सारे प्रोड्यूस माल को कैसे सेल कर सकता हूं, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सेकेंड जो कॉस्ट होती है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पर आप जितना प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे प्रोपोर्शनेट वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सूट सिलने में आपको 1 मीटर का कपड़ा लगता है, 2 सूट सिलने में 2 मीटर का कपड़ा लगता है, 3 सूट सिलने में 3 मीटर कपड़ा लगता है, तो कॉस्ट बिल्कुल सेम आती है वेरिएबल। लेकिन अगर आप बल्क बाइंग का फार्मूला समझ जाएं तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट को भी कम कर सकते हैं। इसका मतलब यदि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपके वेंडर्स भी आपको कम कॉस्ट पर मटेरियल सप्लाई करने के लिए तैयार होंगे। अगर आप अपने वेंडर को कैश पेमेंट या एडवांस पेमेंट देंगे तो भी वो आपको कम कीमत पर मटेरियल सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए आप बल्क बाइंग पर जाएंगे, एडवांस पेमेंट के मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कैश पेमेंट के मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था जैसे ही आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है प्राइस चेंज किए बिना आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आपने ये तो बताया कि किस तरह से हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, लेकिन इतना मेटल प्रोड्यूस कैसे करें जब कंजम्पशन नहीं है। इसका मतलब अगर आपके पास टारगेटेड सेल नहीं है तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करके भी क्या करेंगे। यस फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं और वो कौन कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल करके कंपनी अपनी सेल को निरंतर बढ़ाती जा रही है। फ्रेंड्स, आप एक बात तो समझ गए कि अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटा लें तो प्राइस को इंक्रीज करे बिना भी आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तभी घट सकती है जब आप सेम टाइम में अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लें। आप प्रोडक्शन तो तभी बढ़ा सकते हैं जब आपकी सेल बढ़ेगी। तो बात करते हैं किस तरह से अपनी सेल और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन से फार्मूलाज, कौन कौन से मेथड्स को इंप्लीमेंट किया जाए ताकि आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, अपनी सेल को बढ़ा सकें और बिना प्राइस रिड्यूस किए, बिना प्राइस इंक्रीज किए बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें।
उम्मीद करता हूं कि आप अपने बिजनेस में इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, उसका सोल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और साथ ही साथ अपने बिजनेस को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयास करें, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।